हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। दिस इज योर प्रणव शर्मा। आज है 10 नवंबर 2023 और आज है धनतेरस। सो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा वर्किंग डे है और ऑफिस में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ। सुबह के 4 बजे हैं। लेट्स डेकोर एंड डू सम डस्टिंग एंड क्लीनिंग। तो आइए मिल करके सजाते हैं अपने इस घर को। क्योंकि ये सब रेडीमेड थे और हुक्स पहले से लगे हुए थे, तो मुझे इसको बाहर से डेकोर करने में सिर्फ आधा घंटा लगा। नूडल भी देख रहा है कि क्या कर रहा हूँ मैं। फिलहाल बाहर से कुछ ये ऐसा सा दिख रहा है। हे गाइस, आई एम बैक अगेन। और जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मैंने सुबह उठ के थोड़ा सा घर के बाहर डेकोर किया था। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर पाया था। मेरा ऑफिस है, अभी मेरा ऑफिस ख़त्म हुआ है। मैं नहा धो करके दोबारा से तैयार हुआ हूँ, हेड बाथ किया है। और आज धनतेरस है, तो आज के दिन मेरी फैमिली में एक दिया जलाया जाता है, तो वो जलाना है आज मेरे को। और साथ ही आज के दिन किसी भी धातु को हम खरीदते हैं और जिसकी पूजा की जाती है। तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, आप गोल्ड खरीद सकते हैं, सिल्वर खरीद सकते हैं, ब्रास, कॉपर, कुछ भी। और अपने बजट के हिसाब से कोई भी कुछ भी खरीद सकता है। और बजट नहीं भी है तो सिल्वर स्टील का कोई चम्मच भी आप खरीदेंगे तो बहुत है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सबको भारी भरकम चीज़ें खरीदनी है। मैंने इस साल धनतेरस पे ख़रीदा है ये सिल्वर का एंटीक ग्लास। आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा और ये कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा ज़रूर। तो इसकी भी पूजा होगी आज, और आज के बाद ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं और दिया जलाते हैं। तो फटफट करते हैं पूजा। तो फिर मैंने झटपट करी धनतेरस की पूजा, जिसमें चांदी के गिलास को मैंने मंदिर में रखा और दीपक जलाया। आज के दिन एक ही दीपक जलाया जाता है और उसमें 4 जोत जलाई जाती हैं। तो दोस्तों, धनतेरस की पूजा हो चुकी है और मैं अभी मार्केट गया था, तो मेरे पास तोरण नहीं है। और दिवाली में मेन गेट पे तोरण लगाना कंपलसरी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, तो मैं ये तोरण लेकर के आया हूँ और इसको भी मैं लगा देता हूँ मेन गेट पे। आइए। और तोरण का साइज़ हमारे डोर के साइज़ से थोड़ा सा कम रह गया, तो एक्स्ट्रा हुक्स लगाकर मुझे उसे एडजस्ट करना पड़ा। और अब ये घर बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है। आई होप ओके ओके दिख रहा है, बट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी छोटी दिवाली। आज है 11 नवंबर 2023। कल आपने देखा कि मैंने अपने घर को बाहर से डेकोर किया था, तोरण लगाया, फूलों से डेकोर किया। आज अभी मैं सुबह जल्दी उठ चुका हूँ और अभी घर की थोड़ी सी डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद थोड़ा सा घर में लाइट लगाएंगे, जितना भी पॉसिबल होगा उतना करेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी लाइट्स मैंने लगाई हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, फ्लैट में रहते हैं तो हम ज़्यादा डेकोर कर भी नहीं सकते, तो यस, तो बने रहिए मेरे साथ। और साथ ही मैंने लक्ष्मी जी के पाँव में लेकर के आया था, जो मैंने मेन गेट के दोनों तरफ लगाए हैं। लास्ट ईयर के भी स्टिकर वाले ऑलरेडी लगे हैं। हे गाइस, तो शाम के बजे हैं 7 और मैं तैयार हो चुका हूँ। मेरा ये आउटफिट है जो मैंने एम्ब्रॉयडरी का कुर्ता पजामा पहना हुआ है। आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ी देर के बाद पूजा करते हैं और आज के दिन मैं 5 दिए या फिर 11 दिए जलाऊंगा, जो भी होगा मैं आपको दिखाई दूंगा। शायद 5 ही दिए जलाऊंगा आज के दिन में, और बस फिर हम कल तैयारी करते हैं। कल है हमारी बड़ी दिवाली, चलिए तैयारी करते हैं पूजा की।
और पूजा करने के बाद एक दीपक को मंदिर में और बाकी के चार दीपक को घर के बाहर मैंने लगाया है। सो दोस्तों, छोटी दिवाली की भी पूजा हो चुकी है। अब मैं मिलता हूँ आपको कल। कल सुबह जल्दी उठकर मुझे फ्रेश फ्लावर्स लाने होंगे और मैं घर के बाहर थोड़ा सा फूलों से बनाऊंगा, फूलों से थोड़ा सा सजाएंगे। मुझे आता तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा फूलों से भी डेकोर करूं अपने घर को। और हाँ, मैं आपको लाइट दिखाता हूँ, मैंने लाइट्स भी लगाई थी। ये है घर से एंटर होते ही एकदम सामने वाला कॉर्नर, जहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की मल्टी कलर लाइट्स लगाई हैं, और ठीक उसके अपोजिट विंडो पर मैंने वाटर ड्रॉप्स का लाइट लगाया है, और तीसरे कॉर्नर पर मैंने डिस्को स्टार शेप्स में लाइट्स लगाई हैं। कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइट ऑफ करने के बाद कुछ ये इस तरह का लुक देता है। हे गाइस, सो इट्स 12th of November 2023। आज है बड़ी दिवाली। आप सभी को दिवाली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। अच्छे से मनाएं और पटाखे ना जलाएं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और पेट्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो ना करें आप। कोशिश करें कि अवॉइड करें। और अभी मैं सुबह के बजे थे 5:30 और मैं जा कर के कुछ फ्रेश फ्लावर्स ले कर के आया हूँ। लेट्स सी कि उसको कैसे डेकोर कर सकता हूँ मैं, मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। और बट मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा बाहर नीचे फ्लोर पे मैं थोड़ा सा फूलों से उसको डेकोर कर सकूँ। तो चलिए चलते हैं। तो बेसिकली मैं 2 kg गेंदे के फूल लेकर के आया था, येलो एंड ऑरेंज कलर। और मैंने डिसाइड किया कि मैं इन फूलों से एक राउंड सर्कल बनाऊंगा और सेंटर में रात को जब हम दीपक जलाएंगे तो वो अच्छा लगेगा। लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं आया, तो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया और फिर डिसाइड किया कि जो साइड वॉल है उस पर हम सेमी सर्कल बनाएंगे और उन सेमी सर्कल के बीच के स्पेस में हम दीपक को रखेंगे। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत बुरा हूँ इन सब चीज़ों में, वो इवेंट डिज़ाइन मुझसे नहीं बन रहा था, तो मैंने सोचा कि सबसे इजी है कि एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं और उनके बीच में जो स्पेस होगा उसमें लाइट लगा देंगे। तो फिर मैंने सबसे इजीएस्ट वे चूज़ किया और सिंगल सिंगल लाइन मैंने दोनों कलर की ऑल्टरनेटिवली डिज़ाइन कर दी। और ये नूडल बार बार कैमरे के सामने फुटेज लेने के लिए आ जाता है। हैप्पी दिवाली नूडल, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली पटाखा। मेरा पटाखा तो तू ही है ना गुग्गू, प्यारी बच्ची मेरी। गुड्डू रसगुल्ला रसगुल्ला खा रहे हो 2 दिन से? हाँ। मैंने अमेज़ोन से कुछ 3D दियाज ऑर्डर किए थे जो मुझे अभी डिलीवर हुए। मुझे लग रहा था वो आएंगे ही नहीं, तो जस्ट नाउ आई गॉट द पार्सल एंड लेट्स सी के कैसे काम करते हैं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये 3D दियाज के साथ, तो इसको अनरैप करते हैं एंड देखते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई गॉट। आई डोंट नो ये कैसे हैं, दियाज विद डिफरेंट कलर्स and they have given this springs. I think in springs में हमको ये wick लगाना है, and then उसमें उन्होंने लिखा है कि इसमें 50% पानी और 50% हमको ऑयल डालना है। तो इसको एक बना करके देखते हैं।
कुछ इस तरीके से है दोस्तों। तो ये स्प्रिंग के अंदर आपको विक लगाना है और ये सीधा स्टैंड पे लगाना है, एंड देन 50% वाटर एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट 50% ऑयल डालने के बाद हमको ये जलाने हैं। वाटर डालना इसलिए ताकि जो हमारी प्लास्टिक है वो गर्म ना हो जाए और वो पिघल ना जाए, इसीलिए इसमें पानी ऐड किया जा रहा है। और ऑयल ऊपर रहेगा तो वो विक को फ्यूल देता रहेगा, जिससे हमारी जो विक है वो जलती रहेगी। और ये देखिए मेरे नेबर ने कितनी प्यारी रंगोली बनाई है। Hey guys, तो शाम के बजे हैं 7, मैं नहा धोकर के तैयार हो चुका हूँ। मैंने डाला है ये वाइट प्योर कॉटन का कुर्ता पजामा विद ब्लैक वोवन एम्ब्रॉयडरी, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। मेरी तरफ से दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। खाएं पिए सेलिब्रेट किए करें, दिए जलाएं, लाइट्स जलाएं, क्रैकर को अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। और हाँ, मैं भी अब पूजा की तैयारी में लगता हूँ। पूजा करते हैं, खाते पीते हैं, मिठाई खाते हैं और देखते हैं कि मैं अपने ब्लॉग को शायद एंड कर दूँ जल्दी ही। तो यस, नूडल पूजा करना है ना, अभी पूजा करेंगे फिर आपको मिठाई मिलेगी। आपको मिठाई बहुत पसंद है ना नूडल? आप डर रहे हो पटाखों की आवाज़ से? क्यों डर रहे हो आप? आप तो बहादुर बच्चे हो ना, डरते हैं कोई? ऐसे नहीं करते, पूजा करेंगे फिर दोनों बाप बेटे मिठाई खाएंगे, है ना? तो दोस्तों पूजा हो गई है मेरी संपन्न, बस कुछ खा पी के आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप सभी भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली का त्यौहार मनाएं, खाएं पिए ऐश करें, और मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।